everyone, this is Meenakshi Karwa and you're watching Tidbit Tales. If you're new to my channel, please subscribe my channel and also press the bell icon ting 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 so that you get notified whenever I post a new video. So now we are moving towards group 2 exams and the next in line is costing over and SEMP. So this video will help you to get a direction of what we are going to cover up and how we are going to cover the majority of syllabus a day before exams. So this video is for costing OR as well as for SEMP. So first we'll start with OR, and the very first thing which I need to clear is in this subject you will refer nothing else other than Institute PM. Old course, only PM is enough for costing and OR, obviously along with past papers and MTP and all, but that is before exam morning. So not discussing that right now. First of all, when you come back home from your law paper in the evening, you'll be a little exhausted, and then you can start with something light like OR. So first of all, you can start with the easy chapters like assignments, simulation. These chapters should hardly take 15 to 20 minutes each chapter. And then we have LPP, formulation and graph part is very easy, but the simplex part is bit complicated and people tend to leave an option, but we'll find a way out there. Pura option mein chhodne ki zarurat nahi hai. Other than that, that is CPM, transportation, ye jo chapters hai na, ye hai simple, lekin inko ek bar revise karne mein time jata hai. Ek sum revise karne mein bhi time jata hai, kyunki bade bade sums hai, pehle unko draw karna, phir unko solve karna, to uske liye ek solution hai. कॉजर वाइज करके यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हाफ एन आवर में वो पूरा कॉन्सेप्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट ऐसे रिवाइज करा देते हैं कि उसके बाद आप पीएम का एक ही सम देखोगे ना, दैट इज वेरी मच इनफ. वो चैनल का लिंक आपका टाइम सेव करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डायरेक्टली वहां से जाके देख सकते हो. सो ओआर इज समथिंग इजीली मैनेजेबल, तो आप वो इवनिंग को बैठोगे तो फ्रॉम दैट इवनिंग यू कैन फिनिश अराउंड 3 to 4 चैप्टर्स रिवाइजिंग इन दैट डे. तो हाफ ऑफ ओआर इज ऑलरेडी फिनिश्ड एंड वो जो बाकी के वीडियो लेक्चर्स है जिनको आपको रिवाइज करना है वो आप मॉर्निंग में लाइक कभी भी टाइम निकाल सकते हो. इवन वाइल ट्रैवलिंग टू योर एग्जाम सेंटर वो टाइम पे भी आप वो वीडियोस देख सकते हो, तो आपको इजीली याद भी रह जाएगा. मैं तो इनफैक्ट उससे टाइम पे देखती थी, सेंटर जाते टाइम हाफ एन आवर लगता था यहाँ से सेंटर जाने को, तो उसमें मेरे ओआर की सारे कॉन्सेप्ट्स जो ये सब चैप्टर्स के जिनके वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है वहां से कवर हो जाते थे. फॉर सिंप्लेक्स ऑल्सो मैं यही वे बता रही थी, सिंप्लेक्स का एक वीडियो देख लेना, उसमें ही आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा. तो आपको पूरा ऑप्शन में छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, बेसिकली सब कुछ रिवाइज हो जाएगा वो वीडियो लेक्चर्स से. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू कॉस्टिंग. सो कॉस्टिंग में स्टार्ट विथ स्मॉल चैप्टर्स फर्स्ट लाइक प्राइसिंग, बजट, ये सब चैप्टर से चालू करो. और चैप्टर नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी, ऑल्सो प्राइसिंग डिसीजन वाला चैप्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी. तो थ्योरी इन दोनों से सिर्फ लास्ट डे पे करके जाना, बाकी सबसे करने भी किया तो चलेगा, पहले किया हुआ होना चाहिए. मार्जिनल कॉस्टिंग कीप एट लास्ट, उसको पहले हाथ ही नहीं लगाना. जितना होगा कॉस्टिंग का बाकी पूरा सिलेबस रिवाइज कर लो, और सब होने के बाद में जितना टाइम बचेगा उतने में से मार्जिनल कॉस्टिंग करना, क्योंकि वो 200 पेजेस का चैप्टर है और आप जितना भी उसमें से कर लोगे तो भी नया ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में. सो उसको लास्ट में रखो, लास्ट में जितना होगा उतना ठीक है, बाकी हम लोग अभी तक जितना कॉस्टिंग समझ में आया है उस हिसाब से जो नया क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से अटेम्प्ट कर लेंगे. जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग, कभी भी कोई नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग. आपको एक बार स्टार्ट मिल गया ना तो आगे क्या करना है वो आपको अपने अपने आप आते जाएगा. सो नो नीड टू पैनिक कि कुछ नया देख लिया तो, कॉस्टिंग है उसको कॉस्टिंग की तरह ही लेना पड़ेगा. So this is all for costing का वो दिन तक, and then exam morning तक you have to do MTP past papers and RTP. So 2 attempt का past papers, 2 attempt RTP and 1 attempt MTP. इतना exam morning को plus OR की ये जो videos है वो भी आप exam morning को रख सकते हो अगर वो दिन नहीं हुआ तो. भी इवनिंग के बाद नेक्स्ट डे यू कैन स्टार्ट कॉस्टिंग. कॉस्टिंग को पूरा एक दिन लगेगा एंड देन एग्जाम मॉर्निंग में इतना बचा हुआ पूरा क्लियर कवर कर लेगा. सो दिस इज ऑल फॉर कॉस्टिंग OR. नाउ विल स्टार्ट विद SEMP. सो नाउ फॉर SEMP थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो कॉस्टिंग में ओल्ड कोर्स में जितना इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरी, उससे कई ज्यादा न्यू कोर्स में SEMP में थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी सेकेंड और थर्ड पार्ट थ्योरी पे बेस्ड होता है. तो थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, और उसके लिए सबसे पहले विल टॉक अबाउट थ्योरी. तो थ्योरी में आपने SM तो फर्स्ट टाइम कर लेना होना चाहिए. तो अभी लास्ट डे रिविजन के टाइम पे ICI की साइट पे जो क्विक रिविजन कैप्सूल्स है वहां से आपको थ्योरी रिवाइज करनी है. एंड सेकेंड ऑप्शन इज संकल्प सर के रिविजन वीडियोज है,
तो वो अगर पहले देखे हुए होंगे तो अभी आप उसको स्पीड में भी वापस रिवाइज कर सकते हो, तो कम टाइम लेगा थ्योरी रिवाइज करने को। तो ये दो ऑप्शन है थ्योरी रिवाइज करने के लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने स्टडी मटेरियल से करने हैं, लेकिन वहां पे लिमिटेड क्वेश्चंस है, तो पहले वहां से जितना हो सके उतना, एंड उसके बाद अगर आपके पास ऑथर बुक है तो वहां से कवर कर लेने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। उसके अलावा पास्ट पेपर्स और आरटीपी एमटीपी में तो वहां पे तो तीनों कवर होंगे, थ्योरी भी कवर होगी, प्रैक्टिकल भी कवर होंगे और केस लॉज भी कवर होंगे। तो ये तो तीनों इंपॉर्टेंट है, ये करने ही है, पास्ट पेपर्स एमटीपी आरटीपी करके ही जाना है एग्जाम के पहले। सो वो हमने एग्जाम मॉर्निंग के डे पे रखा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट कमिंग टू केस स्टडीज। केस स्टडीज में आपका स्टडी मटेरियल में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है केस स्टडीज का, चैप्टर 13 है, वो पूरा होने के बाद में आपको इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे आना है। वहां पे केस स्टडीज के सेक्शन में एडिशनल केस स्टडीज दिए हुए हैं, वहां से केस स्टडीज पूरे कर लेने हैं। और केस स्टडीज को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उनको मगअप नहीं करना है, उनको सिर्फ रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए आपको सिर्फ फटाफट रीड करना है, पहले किए हुए ही होंगे वापस, तो यहाँ पे टाइम कम लगना चाहिए। तो यहाँ से होने के बाद में नेक्स्ट वीक कम टू एग्जाम मॉर्निंग, ये तीनों पहले पूरे दिन में ये तीनों कवर हो जाने चाहिए रिविजन के हिसाब से, आपकी स्टडी मटेरियल ऑथर बुक से ये दो से, और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जो रिविजन मटेरियल दिया है वहां से। ये सब होने के बाद एग्जाम मॉर्निंग पे यू हैव टू कम टू योर पास्ट पेपर्स, टू अटेम्प्ट पास्ट पेपर्स, टू अटेम्प्ट आरटीपीस एंड वन अटेम्प्ट मॉक टेस्ट पेपर। ये तीनों होने के बाद में यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम्स। सो दिस इज ऑल फॉर कॉस्टिंग ओवर एंड फॉर एससीएमपी। आपके हाथ में अभी टाइम बहुत कम है, सो आई डोंट वॉन्ट टू लाइक स्ट्रेच दिस वीडियो, एंड सब डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं, क्योंकि डिटेल में बाकी वीडियोज में हर बार स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन की हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन और मोटिव ये रखना है कि वो डेढ़ दिन में क्या क्या कवर करना है और कैसे कवर करना है, उतना ही मेरे को ये वीडियो का पर्सपेक्टिव रखना था। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पेपर लिखना एंड यू विल रॉक द पेपर, हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू, पॉजिटिव वाइब्स रखना सराउंडिंग में, नेगेटिव मत सोचना, स्ट्रेस आउट मत करना, दैट इज द ओनली की। वो 3 hours आप कैसे मैनेज करते हो वही आपके हाथ में है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर, आई सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।